नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माँ इंद्रजाल में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे सपने के कुछ ऐसे संकेतों के बारे में जो ये सुनिश्चित करते हैं कि गर्भ में पलने वाला जो शिशु है वो लड़का होगा या लड़की होगी। देखिए दोस्तों, जैसे ही कोई महिला गर्भवती होती है तो गर्भवती होने के पश्चात उस महिला को या उस महिला के परिवार के किसी भी सदस्य को, जैसे कि उस महिला की सास को, ससुर को या पति को, सपने में कुछ फल, कुछ सब्जियां दिखाई देती हैं जो ये संकेत करती हैं कि जो गर्भ में शिशु पल रहा है वो बालक होगा या बालिका होगी। दोस्तों, जो हमने आपके लिए जानकारी जुटाई है आज की इस वीडियो में, ये हमने कई बुजुर्गों से और कई अनुभवी व्यक्तियों से हमने जानकारी लेकर ये वीडियो हमने बनाई है। और जो जानकारी हम आपको आज इस वीडियो में देंगे, ये जानकारी काफी सटीक है और इस जानकारी के आधार पर कोई भी व्यक्ति ये सुनिश्चित कर सकता है कि गर्भ में पलने वाला जो शिशु है वो बालक होगा या बालिका होगी। यद्यपि इस बात की कोई गारंटी नहीं दी जा सकती, क्योंकि सपनों का जो अर्थ होता है वो केवल एक अनुमान मात्र होता है। इसलिए सपनों के आधार पर हम किसी प्रकार की गारंटी तो नहीं दे सकते, लेकिन हाँ, जो बड़े बुजुर्गों के और विद्वान लोगों के जो अनुभव है उसके आधार पर हमने ये वीडियो बनाई है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे सपने हैं जिनके आधार पर माना जा सकता है कि गर्भ में जो शिशु पल रहा है वो लड़का होगा या लड़की होगी। देखिए दोस्तों, यदि गर्भ धारण करने के पश्चात महिला को या परिवार के किसी भी सदस्य को दूध दिखाई दे, खासकर की महिला को या उसकी सास को यदि दूध दिखाई दे, तो इसका सीधा सा अर्थ होगा कि गर्भ में जो शिशु पल रहा है वो लड़का होगा। दोस्तों, यदि किसी सदस्य को पके हुए आम दिखाई दें, तो पके हुए आम भी पुत्र होने की ओर ही इशारा करते हैं, गर्भ में पलने वाला शिशु निश्चित रूप से पुत्र ही होगा। इसके पश्चात यदि सपने में अमरूद दिखाई दें, तो अमरूद भी पुत्र प्राप्ति की ओर ही इशारा करते हैं। यदि गर्भवती महिला या परिवार का कोई भी सदस्य अमरूदों को देख रहा है, चाहे वो पेड़ पर लगे हुए हों, चाहे वो तोड़कर हाथ में हो या खा रही हो महिला सपने में, तो इसका इशारा होता है कि जो शिशु है गर्भ में वो पुत्र ही होगा। यदि कोई सदस्य परिवार का सपने में सेब देखता है, तो सेब देखने का अर्थ भी यही माना जाता है कि जो शिशु है गर्भ में वो पुत्र होगा। सपने में केला देखना, ये भी पुत्र की ओर ही इशारा करता है। सपने में जो केला होता है वो बिल्कुल निश्चित रूप से आप यकीन कर सकते हैं कि जो गर्भ में शिशु है पुत्र ही होगा। ये बहुत ही अच्छा सपना माना जाता है और बिल्कुल ये सुनिश्चित करता है कि गर्भ में जो शिशु है वो पुत्र होगा। इसके अलावा यदि गर्भवती महिला या परिवार को कोई भी सदस्य कद्दू देखता है, तो कद्दू भी इसी ओर इशारा करता है कि गर्भ में जो शिशु है वो पुत्र होगा। सपने में अंजीर देखना पुत्र प्राप्ति की ओर इशारा करता है। सपने में जो अंजीर होती है वो बहुत ही अच्छी मानी जाती है और पुत्र की ओर इशारा करती है। सपने में शकरगंध को देखना, शकरगंध को देखने का सीधा सा अर्थ होता है कि पुत्र का ही जन्म होगा। दोस्तों, इसके पश्चात अगला सपना हो सकता है कद्दू को देखने का। दोस्तों, कुछ महिलाओं का जो पेट होता है वो कद्दू की तरह होता है, बाहर को निकला हुआ, तो उस कंडीशन में कुछ विद्वान जो लोग होते हैं या जो घर की जो अनुभवी महिलाएं होती हैं वो कहती हैं कि पुत्री हो सकती है। लेकिन यदि सपने में कद्दू दिखाई देता है, माफ कीजिए, सपने में यदि तरबूज दिखाई देता है, तो उसका अर्थ होगा कि पुत्री ही होगा। पेट का तरबूज की तरह दिखना वो एक अलग कंडीशन है, लेकिन सपने में तरबूज को देखना पुत्र प्राप्ति की ओर ही इशारा करता है। इसके पश्चात यदि कोई भी सदस्य परिवार का सपने में लोबिया देखता है या लोबिया की फली को देखता है या उसको खाते हुए देखता है नाश्ते में या खाने में, तो ये सपना भी पुत्र प्राप्ति की ओर ही इशारा करता है। इसके पश्चात सपने में गन्ना देखना पुत्र प्राप्ति की ओर इशारा करता है। सपने में रसगुल्लों को देखना, ये भी पुत्र प्राप्ति की ओर इशारा करता है। सपने में गुड़ को देखना, गुड़ को देखना बहुत ही शुभ माना जाता है। हालांकि गुड़ को जो देखना है ये व्यापार के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा सपना माना जाता है। लेकिन यदि परिवार में कोई महिला गर्भवती है और उस कंडीशन में यदि ये सपना आ जाए, तो
तो ये सपना दर्शाता है कि परिवार में जो बालक आएगा या बालिक जो शिशु आएगा वो बालक ही होगा। सपने में लड्डू देखना ये भी पुत्र प्राप्ति की ओर ही इशारा करता है। हालांकि सपने में लड्डू देखना नए कार्य की शुरुआत या किसी कार्य में सफलता की ओर भी इशारा करता है, लेकिन इस कंडीशन में कि घर में कोई शिशु आने वाला है तो यहां पर उसका अर्थ होता है कि वो जो शिशु है वो पुत्र ही होगा। तो दोस्तों, हमने सपने में आपको जितनी भी चीजें बताई, चाहे दूध हो, आम हो, अमरूद हो, सेब हो, केला हो, कद्दू हो, अंजीर हो, शकरकंद हो, तरबूज हो, लोबिया की फली हो, गन्ने हो, रसगुल्ले हो, गुड़ हो या लड्डू हो, ये जितनी भी चीजें हैं हमने आपको बताई हैं, ये सभी चीजें इशारा करती हैं कि जो गर्भवती महिला है उसके गर्भ में लड़का ही होगा। दोस्तों, ये सभी तथ्य जो हमने आपको बताए हैं ये अनुभव के आधार पर बताए हैं, इनके पीछे कोई भी वैज्ञानिक कारण नहीं है और ना ही इन सपनों का कोई मेडिकल आधार है, चिकित्सीय अधिकार नहीं है, केवल एक ज्योतिषीय आधार है। और जो विद्वान है और जो घर की महिलाएं हैं, अनुभवी महिलाएं हैं, वो इन बातों को काफी हद तक सही मानती हैं। इसी आधार पर हमने आपके सामने इस जानकारी को पेश किया है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं जो जानकारी हमने आपको दी है आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।